वेल, अभी कुछ टाइम पहले एलविश यादव की न्यूज आ रही थी कि जम्मू में उनके साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया था, बट रिसेंटली उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या था। वो क्या कहे आप देख लीजिए। मैं गया था जम्मू कटरा वैष्णो देवी वहां पे दर्शन करने, तो तुम्हें पता ही है। तो हम लोग खा रहे थे एक ढाबे में खाना, तो वहां पे भीड़ इकट्ठी होगी जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखी। एलविश भाई आ गए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद एक न्यूज वाले बंदे आए मेरे पास जब मैं खाना खा रहा था, कहते भाई आपका ना इंटरव्यू लेना है, हमने लोकल न्यूज़ चैनल है। मैंने उनको बोला कि भाई मैं ना इंटरव्यू नहीं देना चाहता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं खड़े होकर इंटरव्यू दूंगा तो और भीड़ बढ़ती चली जाएगी, जिस और हम पे उतनी सिक्योरिटी भी नहीं है कि हम भीड़ को टैकल कर पाए, हो जाएगा स्टैम्प पे। हाँ तो यो कह रहा है भाई मुझे पता ना धक्का मुक्की। हाँ धक्का मुक्की या फिर भीड़ ज़्यादा थी, मैंने कि होटल में कर लेंगे, होटल में दिया तो मैंने इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या सीन हुआ, जैसे मैं बाहर निकला तो भाई उस न्यूज वाले ने वो भीड़ में इंटरव्यू लेने लग गया, जिसमें पूरी क्लिप जिसने देखी होगी, मैं जिसमें कह रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, और कह रहा जय माता दी उसके, और पहले मैंने ऐसे बोला, उसके मैंने बोला ये मत करो अभी, और उसके बाद मैंने बोला जय माता दी, जिसके बाद वो पीछे से आवाज आ रही होगी माइक का है माइक का है माइक का है। तो मैं देखो ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, मैं उन चीजों में बिलीव नहीं करता ना, मेरे हिसाब से अब अपना वो वाला स्टैंडर्ड बचा कि मैं रोड पर खड़े होकर गुथूं कि एलवी सर तो रोड पर लड़ते हैं, ये भाई मेरे मतलब चीज नहीं। और मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं जो रोड पे खड़े होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मार पिटाई मचा दी वो हल्ला करा, मैं उन चीज़ों से कटता हूँ, मैं निकल गया साइड में, क्योंकि मेरे को और भी चीज़ें देखनी है और मेरे को अपनी इमेज इस टाइप की नहीं बनानी कि एलवी सर तो भाई रोड पे लड़ाई झगड़ा करते फिरते हैं। तो जो उसने वीडियो भी डाली रिपोर्टर ने कि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई राघव और उसके साथ, कि माइक उनको लगा कि माइक उनका किसी ने ले लिया, जो माइक था जिसमें इंटरव्यू चल रहा था, तो उस वजह से उन्होंने राघव के साथ उनकी बहसबाजी हो गई और सब लोग क्या प्रोपोगंडा चला एलवी सर की तो लड़ाई बजेगी। भाई एलवी सर की लड़ाई क्यों बजेगी, हमारा यही काम है का लड़ाई करते फिर। अब प्रोपोगंडा कैसे सेट होता है वो बताता हूँ। प्रोपोगंडा ऐसे सेट होता है हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने का, जो कई फर्जी न्यूज़ चैनल करते हैं, कई न्यूज़ पोर्टल्स करते हैं कि एलवी सर की लड़ाई होगी। एलवी सर की पहली बात लड़ाई नहीं हुई, चलो हो गई लड़ाई, बाई चांस मान लो हो गई लड़ाई, तो उन्होंने क्या डाला, जम्मू के राजपूत से हुई एलवी की लड़ाई। ओके, ताकि राजपूत राज है तो हिंदू, हिंदू वर्सेस हिंदू हो जाए, ऐसे होता है प्रोपोगंडा सेट। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से ऐसे फेक न्यूज के चक्करों मत पड़े,